गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूँ 4 जून 2021 के करंट अफेयर के इस सेशन में। तो चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे से होता है, 30 मई 2021 को किस भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। तो घुड़सवार के लिए जो टोक्यो ओलंपिक में होनी है, अभी टोक्यो में होना है, और टोक्यो की अगर बात करें तो ये क्या है, जापान की राजधानी है। तो कौन सा भारतीय व्यक्ति है, वो है फवाद मिर्जा। अब ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे ये कहाँ पे होंगे, टोक्यो के अंदर होंगे, और कब से कब तक होंगे, ये होंगे 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। कब तक होंगे, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये क्या होने जा रहे हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहे हैं। बात करें इससे पहले ये 2020 के अंदर होने थे, 24 जुलाई से लेकर, सॉरी आप, 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक 2020 में होने थे, ये कहाँ पे, टोक्यो के अंदर ही होने थे। लेकिन कोविड-19 के चलते हुए इनको क्या कर दिया गया था, एक साल के लिए आगे सरका दिया था, एक साल के लिए इनको लेट कर दिया था। तो इसलिए एक साल के बाद ये कहाँ पे हो रहे हैं, दोबारा से फिर वहीं पर टोक्यो के अंदर ये गेम हो रहे हैं। अब बात करें भारत के 5 खिलाड़ियों ने क्या किया था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से पांचों के पांच खिलाड़ियों को क्या है, कोविड-19 हो रखा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 31 मई 2021 को किसने वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये किसने किया बच्चों, ये किया है टीवी नरेंद्रन ने। अब इसके बात करें जो इसका गठन किया गया था, ये गठन कब हुआ था, इसका इसका गठन हुआ था बच्चों 1895 के अंदर। और बात करें इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 2 जून 2021 को इजरायली संसद ने किस देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना है, तो किसको चुना है, ये चुना है इसाक को। किसको चुना है, इसाक को चुना है। और इससे पहले की अगर बात करें, इससे पहले कौन थे, रवेन इससे पहले थे, जो रिवलिन है ये क्या थे, इसाक से पहले यहाँ के क्या थे, राष्ट्रपति थे। अब बात कर लें यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, कैपिटल क्या है, यरूशलेम क्या है यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 1 जून 2021 को किस देश ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन पाकविक को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पाक से ही यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, यहाँ की अगर बात करें तो किसने किया बच्चों, ये किया है पाकिस्तान ने 1 जून 2021 को अपनी पहली कोरोना वैक्सीन पाकवेक को लॉन्च कर दिया है, किसने, पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है बच्चों, इस्लामाबाद। क्या है कैपिटल यहाँ की, इस्लामाबाद है। करेंसी की बात करें पाकिस्तानी रुपया है। उसके बाद बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, करांची। क्या है बच्चों, करांची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद बात करें यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, इमरान खान है, और प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं वे लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने हेतु उड़ान योजना की शुरुआत की है। तो उड़ान योजना की शुरुआत किसने की है, ये की है पंजाब ने। किसने की है, पंजाब ने की है। बात की जाए पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। साथ में जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा की भी क्या है, राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है, अमरिंदर सिंह क्या है, यहाँ के सीएम है। तो सीएम अगर पूछा जाए तो अमरिंदर सिंह यहाँ के क्या है, सीएम है। उसके साथ ही अगर पूछा जाए यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह यहाँ के क्या है बच्चों, गवर्नर है। बात करें यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ की 117। उसके साथ ही बात करें हम
राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें 7 हैं। बात करें हम लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें 13 हैं। उसके बाद आती है हरियाणा की, तो हरियाणा की विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा सीटों का जो आंसर होगा वो कहां पे दोगे, वो दोगे कमेंट बॉक्स में। ये क्या है आपके लिए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कहां पे स्थित है बच्चों, ये कर्नाटका के अंदर क्या है स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में चर्चा रहा बासन चार द्वीप किस देश में स्थित है? जो बासन चार ये आइसलैंड है, ये कहां पर है अगर इसकी बात करें तो ये कहां पर है बच्चों, ये है बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश अलग कब हुआ था, 1971 में। इससे पहले हम इसको किस नाम से जानते थे, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम इसको जानते थे। उसके बाद बात करें बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, बांग्लादेश की राजधानी बच्चों ढाका। उसके बाद हम बात करें यहाँ के जो पीएम है वो कौन है, वो है शेख हसीना। कौन है बच्चों, शेख हसीना यहाँ के क्या है पीएम है। और बात करें यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है अब्दुल हामिद, क्या है यहाँ के प्रेसिडेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीते दिनों चर्चा रही लिटोरिया मीरा किसकी प्रजाति है? तो ये एक किसकी प्रजाति बच्चों, ये मेंढक की क्या है प्रजाति है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। किस देश के हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार यदि जल्दी कोरोना के ओरिजिन को नहीं खोज लिया तो COVID-26 और COVID-32 का सामना करने के लिए तैयार रहें? ये किस व्यक्ति ने बोली है, कौन से देश ने बोली है? तो ये बोली बच्चों किसने, अमेरिका ने बोली है। अमेरिका की अगर बात करें हम, कैपिटल की क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, बिडेन साहब यहाँ के क्या है प्रेसिडेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर पैट्रिक को। किसको किया गया, डॉक्टर पैट्रिक को। इससे पहले कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन थे। अब बात करें हम WHO की, WHO का जो गठन हुआ था वो गठन कब हुआ बच्चों, इसकी अगर बात करें तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ, इसका गठन हुआ था। अब बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है बच्चों जनेवा के अंदर। तो ये था बच्चों आज का मुख्य करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन आज किए हैं 4 जून 2021 के करंट अफेयर के सेशन में। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।